अनुयायी असुर सेनापति राहुल, मुझे शिवशंकर से भेंट करनी है। कैलाशपति अभी ध्यान में है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। बात महत्वपूर्ण है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। शिवशंकर महेश्वर साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। किंतु ऋषिवर, ये हमारे शिवजी के ध्यान में बाधा डाल रहे हैं, इनसे कहिए कि बाद में आए। नारायण नारायण, ये बाधा नहीं डालेंगे। महादेव शिवशंकर की आज्ञा से ही वे यहाँ पधारे हैं। पधारिए पधारिए राहुल पधारिए। नारायण नारायण। हे शिवशंकर, कैलाशपति क्षमा करें, आपके ध्यान में व्यवधान हुआ। असुर सेनापति राहुल आपसे भेंट हेतु यहाँ पधारे हैं। आपके गणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु आओ राहुल। राम शिवशंकर, हम जानते हैं तुम यहाँ अपने संदेह निवारण के लिए आए हो, और तुम्हारा संदेह यह है कि समुद्र मंथन के पश्चात तुम असुरों से कहीं स्वर्ग न छिन जाए। कहो, यह सत्य है? सत्य है शिवशंकर। तो सुनो, तुम्हारी शंका निर्मूल है। इसकी संभावना मात्र उसी स्थिति में पैदा हो सकती है यदि तुम्हारे किसी अन्यायपूर्ण और अनैतिक कार्यों के कारण देवताओं का पल्ला भारी हो जाए। और तुम्हारी दूसरी शंका यह है कि समुद्र से निकलने वाले रत्नादि का विभाजन कैसे होगा। रत्नों का बंटवारा योग्यता के अनुरूप ही होगा। अयोग्य रत्न पाकर कोई भी पक्ष स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। कोई और शंका? नहीं, परंतु इतना महान अनुष्ठान संपन्न कैसे होगा? समुद्र मंथन कोई बाल क्रीड़ा तो नहीं? चिंताएं करना न सुनो का काम है न सुनो का। समुद्र मंथन के कार्य संबंधित निर्णय हमने ले लिया और संबंधित व्यक्तियों को आदेश भी दे दिए। क्षीर सागर वासी विष्णु मंथन क्रिया के लिए मेरु पर्वत का आधार बने और वासुकी नाग रज्जो का कार्य करे। तुम जाकर दानवों को प्रेरित करो और शीघ्र ही समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ कराओ। जाओ। सबसे पहले यही बात सिद्ध कर ली जाए कि कौन शक्तिशाली है और कौन नहीं। हाँ जी,
से निकलने वाले विष से बचने के लिए मैंने ये सब सुहाग रचा था, और आप शत्रुता पर उतर आए। सभी देवता वासुकी की पूछ की ओर रहेंगे और हम असुर मुख की ओर रहेंगे। भगवान शिव शंकर की कृपा से समुद्र मंथन की आज्ञा पूर्व ही मिल गई है। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, वो उचित नहीं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। I'm gonna make you mine.
राक्षसों को यदि अमृत कलश प्राप्त हो गया तो उसे पीकर वे अमर हो जाएंगे और इन देवताओं के लिए नई बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। चिंता न करो नारद, अमृत देवताओं को ही प्राप्त होगा। देवगणों से कहो कि वे पंक्ति में बैठ जाएं।